हेलो दोस्तों, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन। आपने डिफॉरेस्टेशन तो सुना होगा और इसका क्वाइट ऑपोजिट जो है अफॉरेस्टेशन होता है, लेकिन ये कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन क्या होता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन को लेकर हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ या फिर कितना डेवलपमेंट हुआ है, कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन से लेकर पॉजिटिव्स क्या है देश और दुनिया के लिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। चलिए पहले जो है हम वो कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन होता क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अफॉरेस्टेशन, ये पहले तो एक अफॉरेस्टेशन का प्रोसेस है। देखिए, जब आप पेड़ों को काटते हैं उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, और जब आप पेड़ों को उगाते हैं तो उसे अफॉरेस्टेशन कहा जाता है। Associated regeneration activities are done to compensate for destroyed forest land that has been diverted to non-forest activities. मान लेते हैं कि आपके पास 5 एकड़ की ज़मीन है, तो इस 5 एकड़ की ज़मीन में जो है ये 2 एकड़ फॉरेस्ट एरिया है, तो इस 2 एकड़ फॉरेस्ट एरिया में आपने 1 एकड़ जो ज़मीन है वो किसी न किसी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर किसी हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के लिए दे दी है। तो यहाँ पर जो एक एकड़ का जो वो फॉरेस्ट ज़मीन था वो तो बर्बाद हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक नई रोड या फिर एक नई हॉस्पिटल आएगी। तो इट इज़ अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न कि कहीं ना कहीं 1 एकड़ की जो है ज़मीन से, फॉरेस्ट से जो ऑक्सीजन वगैरह प्रोड्यूस होता था, जो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, इट विल नो मोर एग्जिस्ट। तो आप करते क्या हैं कि इस 1 एकड़ ज़मीन के कॉम्पेंसेशन के लिए आप यहाँ पर जो 1 एकड़ ज़मीन है वहाँ पर प्लांट्स लगाते हैं या फिर ट्रीज जो है वो उगाते हैं। यहाँ पर उसी तरीके का एक फॉरेस्ट का एक एनवायरनमेंट आप बनाते हैं एज अ कॉम्पेंसेशन टू द वन विच हैज़ बिन लॉस्ट। तो इसी प्रोसेस या फिर इसी फिनोमिनन को जो है कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन कहते हैं। दिस मे बी फॉर द पर्पज़ ऑफ पर्सनल यूज़, बिल्कुल ये पर्सनल यूज़ के लिए हो सकता है कि भाई आप इस 5 एकड़ की ज़मीन में यहाँ पर फॉरेस्ट का एरिया क्लियर आपने किया घर बनाने के लिए, तो पर्सनल रीज़न के लिए आपने यहाँ का एरिया यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर जो है वो फिर से 1 एकड़ ज़मीन पर आपने फॉरेस्ट को उगने या फिर प्लांट्स वहाँ पर उगाए। फॉर बिजनेस यूज़, बिजनेस पर्पज़ के लिए हो सकता है कि 1 एकड़ ज़मीन आपने यूज़ की, यहाँ पर कोई फैक्ट्री वगैरह लगवाई, तो इतनी ही ज़मीन जो है आप यहाँ पर या फिर किसी और दूसरे एरिया में फॉरेस्ट को जो है वो सपोर्ट करते हैं या फिर उसे ग्रो करने की मदद करते हैं। अदर देन द रिफॉरेस्टेशन और एनी अदर पर्पज़ अदर देन रिफॉरेस्टेशन ऑफ द फॉरेस्ट, और कोई भी अलग पर्पज़ हो सकता है, और ख़ासकर जब बात हम लार्ज स्केल पर करते हैं, गवर्नमेंट्स की बात करते हैं, तो महज 1 या 2 एकड़ का वहाँ पर इशू नहीं होता, कई हज़ारों एकड़ की ज़मीनों को जो है वो लिया जाता है। चाहे कई वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बनते हैं या फिर कई बार अर्बन लैंड्स जो है वहाँ पर बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि वो इस अफॉरेस्टेशन, इस डिफॉरेस्टेशन के नेगेटिविटीज़ को बचाने के लिए कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन को अंडरटेक करे। तो फिर इसका क्रक्स क्या होता है, इतना जो एक्सप्लेनेशन हमने किया, तो आखिरकार इन अ नटशेल अफॉरेस्टेशन क्या है। Even though the forests are cut down, this process of compensation afforestation ensures that forest is still put in good use. भाई हमने 5 एकड़ ज़मीन में से एक हिस्सा इस्तेमाल किया है पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए, कंस्ट्रक्शन या फिर कोई अदर एक्टिविटी के लिए, लेकिन इस लॉस ऑफ फॉरेस्ट को जो है हम कॉम्पेंसेट करते हैं दूसरे जगह। इसी सिंपल प्रोसेस को जो है अफॉरेस्टेशन या फिर कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन कहते हैं। Compensatory afforestation is also a means of creating and forming optional replacements of land that is used or purposes that do not entail a forest. तो किसी तरीके से जो है फॉरेस्ट के लैंड्स का जब आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट के तहत दूसरे पर्पसेस, चाहे भी आप किस क्यों ना आपके कई दूसरे पर्पसेस क्यों ना हो, तो आप अगले जो या फिर अल्टरनेट लैंड को जो है एक ऑप्शनल रिप्लेसमेंट की तरह जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये है मेन क्रक्स कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन का। कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन इन इंडिया, हिंदुस्तान में इस कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन को लेकर क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। इन 2012 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाईलाइटेड द मिसयूज़ ऑफ मनी दैट इज़ बीइंग कंपोज्ड फॉर अफॉरेस्टेशन एंड द मेथड इन विच फंड्स आर नॉट बीइंग कंप्लीटली यूज्ड फॉर देयर पर्पस। 2012 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया और उन्होंने ये कहा कि जितने भी फंड्स आपको अफॉरेस्टेशन के लिए दिए जा रहे हैं, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, कम्प्लीटली जो है वो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने ये हाईलाइट किया और फिर मनी का जो है वो मिसयूज़ भी किया जा रहा है इन बिटवीन समवेयर। गिव एन ऑर्डर फॉर क्रिएशन ऑफ अ बेटर पूल ऑफ फंड्स एंड देयरफॉर अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड
कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड, कि जितने भी आप करोड़ रुपए दे रहे हैं, मान लेते हैं कि 1,000 रुपये, 1,000 करोड़ रुपए जो है भारत की सरकार ने अलोकेट किए अफॉरेस्टेशन के लिए, क्योंकि एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 33% ज्योग्राफिकल लैंड या फिर एरिया जो है वो फॉरेस्ट लैंड होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में इट इज़ समवेयर अराउंड 24%। तो इस गोल तक पहुंचने के लिए चाहिए कि हम पैसे खर्चा करें फॉरेस्टेशन या फिर अफॉरेस्टेशन के एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करें। तो कहीं ना कहीं जो फंड्स दिए जाते हैं हर साल वो मिसयूज़ हो रहे हैं या फिर अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन दिया कि यू बेटर क्रिएट अ कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसे हम कंपा कहते हैं, तो वो एस्टेब्लिश किया गया। कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, तो इसे लेकर एक एक्ट भी पास किया गया। प्लेसेस एंड ऑब्लिगेशन, तो फिर ये एक्ट करता क्या है? अब जो ये कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड का जो एक्ट है वो क्या ऑब्लिगेशंस रखता है, किसके ऊपर ऑब्लिगेशंस रखता है? Places an obligation on center as well as states to ensure expeditious utilization in efficient and transparent manner of amounts released in lieu of forest land diverted for non-forest purposes which would mitigate impact of diversion of such forest land. तो ये क्लियर तरीके से भारत की सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स पर एक फंक्शन या फिर एक ऑब्लिगेटरी नेचर की तरीके से उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप एक फंड बनाएंगे और वहाँ पर पैसा पूल किया जाएगा और इस पूल किए हुए पैसे को आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे फॉर अफॉरेस्टेशन पर्पसेस, कि जितना भी लैंड आपने डेवलपमेंट्स के लिए लिया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए हो या फिर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए वगैरह वगैरह, जितना भी जो है वो आप उतना ही लैंड को लेकर आप दूसरे जगह पर अफॉरेस्टेशन करेंगे, इस फंड को आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। Establish that Compensatory Afforestation Management and Planning Authority and Compensatory Afforestation Fund. तो दो, एक जो है वो एक अथॉरिटी बनाई गई जिसे कंपा कहते हैं और एक दूसरा कैफ बनाया गया जिसे कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड कहते हैं। एक अथॉरिटी और एक फंड, तो अथॉरिटी इज इन चार्ज ऑफ दिस फंड एंड दिस फंड इज इंडीड हेल्पिंग दिस अथॉरिटी टू अंडरटेक कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन। The national fund will get 10% of funds collected and the remaining 90% will go to respective state funds. कि जितना भी पैसा जमा होगा इस compensatory afforestation fund में, उसमें से 90% share जो है वो states को जाएगा, क्योंकि forest जो है वो state list में आता है। तो कहीं ना कहीं states पर ये responsibility ज़्यादा है कि वो इस compensatory afforestation को गहराई से या फिर seriously लें। The collected funds will be utilized for regeneration of forest ecosystem, wildlife protection and infrastructure development. तो जितना भी फंड जो है कलेक्ट होगा वो यूटिलाइज किया जाएगा अफॉरेस्टेशन के लिए, फॉरेस्ट ecosystem regeneration करने के लिए, क्योंकि जिस एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पर एक एकड़ ज़मीन जब जाएगी तो यहाँ पर जितना बायोडाइवर्सिटी है या फिर वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पर होगा वो इफेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं आप इनके कॉम्पेंसेशन के लिए यहाँ पर जो है एक एकड़ ज़मीन दे रहे हैं। The Act also seeks to establish national and state compensatory afforestation fund management and planning authorities to manage the fund. जैसे कि अभी हमने कहा कि कंपा एक अथॉरिटी और काफ कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड बनाया गया है, और फिर प्लानिंग अथॉरिटीज़ भी दिए गए हैं जो ज़्यादातर इस कंपा के तहत ही काम करेंगे। The determination of fund will be delegated to an expert committee constituted by central government. अभी जो हमने कहा कि 90% fund state को जाएगा और 10% fund central को जाएगा, तो कितना fund दिया जाएगा उसे decide करने के लिए एक expert committee हर साल जो है वो constitute की जाएगी central government के तहत। तो ये थी चंद बातें compensatory afforestation के बारे में जो आपको जाननी थी। I hope you like the video. Please do subscribe, share, comment and like. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।